जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत धन धान्य पुत्र पौत्र सुख समृद्धि देने वाला व्रत है। यह व्रत महीने में दो बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को तथा शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। यह व्रत महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जिस दंपति को संतान की कामना हो या फिर जो लोग कर्ज से परेशान हों या फिर सुख शांति धन धान्य चाहते हों, वह सभी लोग प्रदोष के व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा विधि, व्रत विधि तथा समस्त जानकारी की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी प्रदोष के व्रत के उद्यापन के संबंध में समस्त जानकारियों के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। यहाँ आपको शास्त्र प्रमाण से व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आइए महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। प्रदोष के व्रत के उद्यापन की यदि शास्त्रीय विधि के बारे में हम बात करें तो यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग, पूजा वेदियों का निर्माण, अनुष्ठान आदि किया जाता है। इसलिए यह कार्य बिना कर्मकांडी ब्राह्मण के नहीं हो सकता। कुछ लोग बस नाम मात्र का उद्यापन करके व्रत पूर्ण कर लेते हैं, परंतु जब हम शास्त्रों में वर्णित उद्यापन की बात करते हैं तो उसमें मंत्र के जानकार, विधि के जानकार ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी। व्रत पूर्ण हो जाने पर जिस दिन उद्यापन करना हो, प्रातःकाल तीर्थ में स्नान, नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए। तिथि नक्षत्र वार का नाम लेकर कहें, ममात्मनः अखिल पाप क्षय शत्रु पराजय पूर्वक मायुरारोग्यैश्वर्य पुत्र पौत्रादि अभिवृद्ध्यर्थम श्री उमा महेश्वर प्रीत्यर्थम आचरितस्य आचरिष्यमाणस्य प्रदोष व्रतस्य संपूर्ण फल प्राप्तये एक रात्राधिवास पक्षाश्रयेण प्रदोष व्रतोद्यापनं करिष्ये तदंगभूतं स्वस्ति पुण्याह वाचनं मातृका पूजनं वशोर्धारा पूजनं आयुष्य मंत्र जपं नांदी श्राद्धं आचार्यादि वर्णान च करिष्ये तत्रादो निर्विघ्नता संसिद्धर्थं गणेशांबिकयोः आवाहनं स्थापनं पूजनं च करिष्ये। यह संकल्प तभी करें जब यह सुनिश्चित हो कि आप विधि विधान से उद्यापन करने जा रहे हैं। प्रदोष व्रत उद्यापन में बनने वाली वेदियों के नाम नोट कर लें, गणेश, गौरी, पुण्या हवाचन कलश, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, आयुष मंत्र जप, नांदी श्राद्ध, आचार्यादि वरण, दिग्रक्षण, प्रोक्षण, द्वादश लिंग तो भद्र अथवा चतुर्लिंग तो भद्र या फिर एक लिंग तो भद्र, प्रधान वेदी, ग्रह वेदी, असंख्यात रुद्र, इतने कर्म और पीठ आपको बनाने होंगे। प्रधान पीठ पर कलश के ऊपर सांब सदाशिव की सुवर्ण प्रतिमा अथवा जो भी उपलब्ध हो उसी पर आवाहन पूजन करना चाहिए। भगवान उमा महेश्वर का आवाहन स्थापन करके उनके समीप नंदी का भी आवाहन स्थापन करना चाहिए। हाथ में पुष्प बिल्लु पत्र लेकर ध्यान करें, मंदार माला कुलिताल कायी कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराभ्यान नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, उनके पास अष्ट भैरव का भी आवाहन करें। ओम मसितांग भैरवाय नमः। ओम रुरुभैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि
प्रतिष्ठापयामि पूजयामि इस तरह से आवाहन स्थापन करके पाद्य अर्घ आचमन स्नान पंचामृत स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र चंदन तिलाक्षत भस्म पुष्पमाला बिल्लुपत्र आदि से क्रमवार पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की अंग पूजा आवरण पूजा करके अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर आदि अर्पण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी लौंग इलायची फल दक्षिणा आरती पुष्पांजलि प्रदक्षिणा अर्पण करना चाहिए। हाथ में बिल्लुपत्र पुष्प लेकर तदुपरांत प्रार्थना करना चाहिए। प्रसीद देव देवेश प्रसीद परमेश्वर प्रसीद सोम सर्वज्ञ प्रसीद करुणा करो ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि। ब्राह्मणों का पूजन करके शिव पुराण आदि की कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म के बाद हवन का संकल्प करके भगवान शिव तथा पार्वती के साथ समस्त आवाहित देवताओं का हवन करना चाहिए। उत्तर पूजा आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। गोदान गोग्रास के साथ साथ ब्राह्मणों को गरीबों को दान देना चाहिए। इस तरह से प्रदोष के व्रत का उद्यापन करके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये जो विधि हमने बतलाई बहुत संक्षेप में बतलाया, आपको कर्म का हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया, इसे करने में समय लगता है। जब आप कर्मकांडी ब्राह्मण का वर्ण करेंगे तो ये इसे विधि विधान पूर्वक करवाएंगे। बताए गए नियम विधि में यदि कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी ऐसी आशा करता हूँ। लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की शास्त्र सम्मत जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।